हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष वालघर से। सारे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज की व्लॉग के स्टार्टिंग का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि रिएक्शन वीडियो। तो रिएक्शन किस बात पे है वो भी आप लोगों को पता चल गया है, तो उस टॉपिक पे हम बाद में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अभी हमारी पंजाब से आई जो है ना दीदी, मोटो दीदी, ये बना रही है हमारे लिए खाना। मम्मा गई है काम पर, मैं भी गई हुई थी, तो मैं अभी आई हूँ। और यहाँ क्योंकि हमारे कराची में और हमारे एरिया में गैस नहीं आ रहा, तो इस वजह से सिलेंडर पे बन रहा है इस टाइम खाना। और दीदी अभी कर रही है चिकन फ्राई और फिर उसके बाद आलू छील रही है, तो अब ये बनाएगी। तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से बनाती है, क्योंकि इसके डिफरेंट तरह के खाने होते हैं और डिफरेंट टेस्ट होता है और मज़े का स्पाइसी खाना होता है। तो वैसे आज चौथा दिन है, तो आज से मतलब घर पे एक प्रॉपर खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए बस अब खाना बन रहा है चिकन, वरना उस दिन से चिकन नहीं घर पर बन रहा था और ऐसा कुछ भी वैसे नहीं बनाते, तो बस इसलिए फिर। और इन लोगों की आज टिकट्स हो गई या नहीं? अभी तक नहीं हुई, वैसे पापा ने बोला कि टिकट्स आज करवा देंगे। तो यहाँ इसने मसाला भी रेडी कर लिया है और अंदर रूम में कौन आया वो भी दिखाती हूँ। और यहाँ जैक भी उसी दिन से बहुत ज़्यादा सुनसान हो गया, जिस दिन से पप्पू की डेथ हुई है ये इसी तरह से सुनसान है, खा पी भी नहीं रहा और सब इसकी वजह से भी टेंशन में आए हुए हैं कि ये भी खाना नहीं खा रहा। पर हाँ, जानवर जो है ना वो अपने आप पर ये चीज़ लेता है, काफ़ी लोगों ने बोला है, तो ये इस बात के लिए। तो यहाँ दीदी लोग भी आए हैं और दीदी लोग खा रहे हैं खड़ पूरा। लाइट गई हुई है, मजे क्या बुग्गा एजल एजल मिजान। तो एजल भी आज ठीक हो गई है इसलिए आज घर आई है। पहले ये बीमार हुआ, फिर एजल बीमार हुई, तो अब आप मेरे ओरियो खत्म कर दो बस। ये ओरियो नहीं है, ओरियो नहीं है, चॉकलेटो चॉकलेटा चोकोलावा है ये। तीन ना लेना गलत सन, मेरा चौथा ना सही सी। तो बस पापा सोया हुआ, बाकी चलते हैं फिर किचन में और देखते हैं ये क्या कर रही है। अब ये करने लगी है इसमें मसाला ऐड, क्योंकि लाइट भी नहीं है और गैस भी नहीं है, वरना दीदी भी कह रही थी कि मैं सारा कुछ जो है ना मतलब ग्राइंडर करके फिर मिक्स करूं, पर लाइट नहीं है इस वजह से। तो चलो दीदी से पूछते हैं दीदी ने किस तरह से सारा किया है, क्या क्या ऐड किया बताओ। इसमें मैंने पहले प्याज फ्राई किया था, उसके बाद हाफ फ्राई प्याज करके, उसके बाद मैंने चिकन को भुना था अच्छी तरह से। जब चिकन अपना मतलब ब्राउन होने पे आ जाए तो उसके बाद फिर मैंने टमाटर इसमें डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और उसके बाद मैंने हरी मिर्च मतलब वो की थी, क्या उसे कहते हैं, ग्राइंड करके वो भी इसमें डाली थी, और नमक मिर्च वो जो आपके पास घर में मसाले होते हैं। ज़्यादा इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड किया, बस लाल मिर्च नमक वगैरह जो सबके पास अवेलेबल है वही डालना है। बस हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का और उसके हाथ का टेस्ट होता है जो कि बस सालन में नज़र आ जाता है। और अभी हम लोग आलू भी ऐड करेंगे क्योंकि बच्चे जो है ना आलू पसंद करते हैं। मैं भी चिकन नहीं खाती, मैं आलू के साथ खा लेती हूँ, इसलिए मैं खाऊंगी। और मैं अभी साथ में इसको भूनते भूनते ही साथ में इसमें आलू ऐड कर दूँगी, ताकि क्योंकि गैस नहीं है इनका, नहीं तो मैं पहले चिकन फ्राई करके फिर ही बाद में आलू ऐड करती हूँ। और अभी मैं साथ में इसको आलू ऐड कर दूँगी, क्योंकि फ्राई तो मैंने चिकन पहले से कर लिया था, तो बस यही करूँगी अब तेरा आएंगे। और आलू ना हमने इसलिए थोड़े छोटे छोटे रखे हैं क्योंकि अब जब आलू पकते हैं ना तो आलू थोड़े कच्चे कच्चे हो जाते हैं, तो अब फिर आलू कच्चे नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़े छोटे छोटे भी रखे हैं। मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, बाकी नहीं ठीक है जो भी है बस चलेगा। हमारे बच्चे अब कम ही हैं, अभी हाँ नहीं है ना, अभी हाँ और मुझे जो है ना इस चीज़ की अब ग्रेवी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और कल रात का व्लॉग इसी तरह से कंटिन्यू था, पर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं
उस टॉपिक पे वापस आऊँ और आप लोगों से बात करूँ। तो अब हम बात करते हैं उस टॉपिक पे कि मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि आप ये व्लॉग बनाना कि किस तरह से मतलब हम लोगों का जनाजा है, और इवन के काफ़ी लोगों का ये मैसेज था कि मतलब जो हमारे रिलेटिव्स दूर रहते हैं वो इस व्लॉग के ज़रिए उस जनाजे को देख पाएंगे या पप्पू को देख पाएंगे। तो मैंने ये व्लॉग बनाया है, मेरे ख़ानदान में से या मेरी फैमिली में से किसी को इस बात का वो नहीं है, गिल्ट नहीं है कि मैंने ये व्लॉग बनाया है। और फर्स्ट एक बात कहूँगी कि ना तो मैंने कहा लाइक करना, ना ही मैंने कहा शेयर करना, ना ही मैंने कहा कि कमेंट करना, ठीक है ना। जिन्होंने मुझसे अफसोस करना था उन्होंने मुझे इंस्टा पे अफसोस किया, जिन्होंने मुझे अफसोस करना था उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अफसोस किया, जिन्होंने मुझे अफसोस करना था मेरी पप्पो के लिए उन्होंने मुझे टिकटॉक पे भी अफसोस किया, ठीक है। मुझे इस बात का भी नहीं है, जिन्होंने अफसोस किया उनका थैंक यू सो मच कि वो मेरे गम में मेरे साथ शरीक थे, थैंक यू सबका। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ये समझते थे कि हम लोग जैसे हिंदू अपने रिलेटिव्स को या जो जिसकी डेथ हो जाती है उसे जलाते हैं, वैसे हम क्रिश्चियंस भी जलाते हैं। तो आप लोगों को हमारे इस मेरे व्लॉग से आप लोगों को फर्स्ट तो ये अंदाज़ा हुआ होगा कि हम लोगों में जलाते नहीं अपना मुर्दा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों के सामने कि हम लोग अपने मुर्दे को जलाते नहीं हैं, हम लोग दफनाते हैं। और यही मुस्लिम्स का भी है कि मुस्लिम्स भी इसी तरह से करते हैं, वो दफनाते हैं, ठीक है। अब आकर हिंदू भी अपने मुर्दे को दफनाना शुरू हो चुके हैं। अब हिंदुओं का भी काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है और देखा भी है कि उनके कब्रिस्तान है कराची में, ठीक है। मुझे किसी की कोई बात ना बुरी लगी है और ना ही लगेगी। देखो हर किसी की अपना माइंड होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है, हर एक इंसान अपनी सोच से चलता है। मैं उस टाइम इस हाल में थी, इस सिचुएशन में थी कि मैं लाइव नहीं आ सकती थी। मेरे तायाबू की डेथ हुई तो तब भी हमारे बाहर के मुल्कों में रिलेटिव्स रहते थे, तो उनकी वजह से मेरा फ़ोन तब भी यूज़ हुआ, मेरी आईडी तब भी यूज़ हुई फेसबुक की, और लाइव सब ने वो जनाजा देखा था। अब क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैंने व्लॉग बनाया, पर मैंने किसी से लाइक नहीं मांगे, मैंने व्यूज़ के लिए ये नहीं किया, ठीक है ना। मैं क्लियर अपने वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ कि मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए और मुझे व्यूज़ के लिए ये नहीं मैंने किया। मेरे खुद के कज़न ने, मेरे पप्पो के बेटे ने मुझे कहा कि वीडियो तूने बनानी है, मैंने बनाई, ठीक है। जब तक मेरी हिम्मत नहीं थी, बच्चों के पास मेरा फ़ोन था, बच्चों ने मेरे फ़ोन से मेरी व्लॉगिंग की, क्योंकि उन बच्चों को व्लॉगिंग का आइडिया है, मेरा फ़ोन वो पकड़ते हैं, वो मेरा व्लॉग शूट करते हैं। तो उन बच्चों को आइडिया था कि पप्पो की ये सिचुएशन है, मतलब मैं उन बच्चों की पप्पो लगती हूँ जॉयस की, तो जॉयस ने बनाया। तो मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी कोई भी वो गिल्ट नहीं है कि मैंने ये चीज़ इस तरह से की है। आप लोगों को जो सोचना है आप सोच सकते हैं, हर किसी का अपना माइंड होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है। और मेरी फैमिली है, मेरे ख़ानदान ने वो व्लॉग देखा है, किसी ने मुझे ऑब्जेक्ट नहीं किया। और अगरचे मैंने ये गलत चीज़ की होती तो मैं आप सब से कहती कि मैंने ये चीज़ गलत की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है, इसलिए मैं इस चीज़ में बिल्कुल अपने आप को सबके सामने कहती हूँ कि मैं इस चीज़ में गलत नहीं हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपने दिमाग के साथ सब चलते हैं। और इस बात से आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हुआ होगा कि हम क्रिश्चियंस कभी भी अपने मुर्दे को जलाते नहीं हैं, और हमारे पूरा जिस तरह से हमारा होता है जनाजा सेम उसी तरह से हुआ। और मेरी एक क्लाइंट ने मुझे पर्सनली कहा कि मैंने तेरा व्लॉग स्किप करके मत नहीं देखा, मैंने पूरा स्टिल वॉच किया है, और मुझे समझ आया है कि आप लोग किस तरह से अपने मुर्दे के साथ मतलब किस तरह से कब्रिस्तान जाते हो और क्या करते हो। तो ये एक मतलब आप लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज़ थी, नॉलेज वाली चीज़ थी। इंडिया में अगर किसी की डेथ होती है तो आप लोग इवन किसी मॉडल की, एक्टर की या किसी की भी डेथ होती है तो मीडिया पे जब आता है तो आप लोग क्या वो वीडियोस नहीं देखते हो? वो भी तो देखते हो। इतना बड़ा इस बात का इशू होना नहीं चाहिए। बाकी बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट भी इस बात के लिए की है कि तू डर नहीं, जिससे बुरा लग रहा है उसे लगने दे, और
अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट ये मेरी फैमिली का था, मेरा था, और मैंने आज तक अपने व्लॉग में हमेशा अपनी पूरी फैमिली को दिखाया है। तो मेरी फैमिली में अगर मेरा कोई पर्सनल पर्सन इस दुनिया में नहीं रहा तो मुझे वो उसे भी आप लोगों के साथ शेयर करना था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उसके घर पर जाती थी, उसका व्लॉग बनाती थी, वो यहाँ आती थी, उसका व्लॉग बनाती थी, उसे हमेशा अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती थी कि ये मेरी पुप्पू है, ये मेरी पुप्पू है। और अगर अचानक कभी उसका जिक्र हो जाता कि वो इस दुनिया में नहीं रही तो कोई आप में से कॉमेंट कर सकता था कि मतलब वो कहाँ है, कोई भी कर सकता था कॉमेंट। तो तब मैं आप लोगों के साथ एक मतलब इस बात को शेयर करती कि मेरी पुप्पू की डेथ हो गई है इस तरह से, तो भी तो आप लोग कहते कि आप लोग आपने शेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि उन दिनों में तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की हिम्मत नहीं थी हमें कि हम कुछ भी ऐसी चीज़ें शेयर करें। और मेरा व्लॉग सिर्फ वॉइस जो रिकॉर्डर थी ना, वॉइस रिकॉर्ड मैंने की थी, अदरवाइज़ मेरा पूरा व्लॉग तकरीबन बच्चों ने बनाया था, तो मुझे इस बात से कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि इन बातों को समझ के सोच के आप लोगों को थोड़ी नॉलेज हो। तो इसके बाद मैं और कोई वजाहत नहीं दूंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं अभी भी नहीं कहूंगी कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये बातें आप लोगों के दिमाग खोलने के लिए बातें थी, मेरे लिए नहीं। ये मेरी फैमिली का इशू था, मेरी फैमिली की बात थी, मेरी पुप्पू की बात थी, तो मैंने आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर की है। अगर आप लोग मुझे अपनी फैमिली समझते हो, मैं आपको अपनी फैमिली समझते हो, तो मैंने ये चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।